जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास, छात्रावास निर्माण के शिलान्यास के शुभ अवसर पर राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विधि संसदीय मंत्री माननीय शांति धारीवाल जी, इस समिति के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण मीणा जी विधायक, सभी मंच पर विराजे अतिथिगण, सभी समाज के प्रभुजन, मातृशक्ति नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले इस समिति के पदाधिकारियों को और इस विश्वविद्यालय के अंदर जिन दानदाताओं ने, चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे निजी व्यवसाय हो, सबने कुछ न कुछ अपना आर्थिक सहयोग कर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की जो कल्पना की है, आपके सहयोग से ये साकार हो रहा है। इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के अंदर भी और आजादी के आंदोलन के बाद भी इस देश के विकास में आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे इस हाड़ौती के एक जमीन से जुड़े हुए नेता, जिन्होंने जिंदगी भर सादगी जीवन के साथ आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी और उसके बाद समाज के अंदर एक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन आए, उसके लिए एक लंबा संघर्ष किया, श्रीमान भैरूलाल जी बादल साहब, ऐसे बहुत सारे लोग राजस्थान और देश में हुए हैं जिनके बलिदान पर भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद इस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दिया। मुझे खुशी है कि आप सबने उसी मनोकल्पना के साथ कि अगर समाज के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करना है तो समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सबसे प्रमुख भूमिका शिक्षा की होती और शिक्षा के उजाले को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपने केवल विद्यालय महाविद्यालय नहीं, एक विश्वविद्यालय की शुरुआत की। माननीय मंत्री जी ने छात्रावास और विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे आशा है कि जो आपका सपना है, जो आपका विचार है, किस विश्वविद्यालय के अंदर केवल शिक्षा न हो, शिक्षा के साथ साथ यहां पर रोजगार मिलने वाले उन सब रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम के साथ, कौशल की कुशलता के साथ किस तरीके से हम हाड़ौती और राजस्थान के नौजवानों को नौकरी दे सकते हैं और उसके साथ साथ नई सोच नई विचार के साथ आने वाले समय में विश्वविद्यालय स्टार्टअप और इनोवेशन के सेंटर बने। हम आदिवासी इलाके के अंदर जो ज्यादातर हमारे किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों की कृषि के अंदर किस तरीके से आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप के रूप के अंदर भी काम करें और नया इनोवेशन करें अपनी जमीन पर उन स्टार्टअप के उन यंत्रों का, जिसके कारण कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन कर हम
इस आर्थिक स्थिति किसानों की मजबूत कर सके। और इसी के साथ जितने भी खाद्यान्न हैं उनके वैल्यू एडिशन के साथ जितने भी आर्टिजन हैं जिनको किस तरीके से हम बदलते भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर एक नया मार्केट देकर उन नौजवानों को महिलाओं को रोजगार देने का केंद्र विश्वविद्यालय बने, ये जो आपने सपना देखा है निश्चित रूप से पूरा होगा। क्योंकि सही कहा कि देश के अंदर राजस्थान के हमारे मीणा समाज के लोग सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों के अंदर बड़ी संख्या के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। हम किस तरीके से यहां पर पढ़ने वाले बच्चों की कुशलता के लिए उनको अच्छी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इस विश्वविद्यालय के कैंपस के पाठ्यक्रम इस तरीके से बनाए ताकि वह कोई भी कंपटीशन हो कोई भी प्रतिस्पर्धा हो उसके अंदर इस विश्वविद्यालय के इस पाठ्यक्रम शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान हो। और इसीलिए मुझे आशा है कि हम इस हाड़ौती संभाग को जहां पर कोचिंग के रूप में पूरे देश में भारत का नाम हुआ है हम आने वाले समय में किस तरीके से यहां पर शिक्षा शिक्षा का इनोवेशन स्टार्टअप आपके पास में ही सामने तिबल आईटी का भी निर्माण हो रहा है हम किस तरीके से आईटी सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर के अंदर सभी विश्वविद्यालयों का आपस में कोलोबेशन कर हम बेहतर शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए काम करें। और जिन लोगों के हाथ में ये विश्वविद्यालय की कमान है और जिस समर्पण भाव से जिस निष्ठा भाव से केवल मीणा समाज नहीं हर समाज के जीवन के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले संस्कार मिले नई तकनीकी शिक्षा मिले बदलती हुई शिक्षा मिले उसके लिए विश्वविद्यालय एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस विश्वविद्यालय के लिए जब भी मेरे पास इस समिति के लोग आए मैं हमेशा उनके सहयोग के लिए तैयार हूं और मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय जिस ऊंचाइयों पर आपने इसको देखने के सपने देखे हैं मेरी जिम्मेदारी है कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों को आपस में हम कोलोबेशन कर इस विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को भी इसी स्तर पर पहुंचाने के लिए व्यापक मिलकर काम करें। मैं पुनः इस विश्वविद्यालय के अंदर मुझे याद है कि छोटे छोटे अन्नदाताओं ने अपनी कड़ी मेहनत से इसमें एक ईंट का जो हमारा संकल्प था कि जो कुछ भी हमसे बन चुका हमने इसके निर्माण में किया है। और अच्छा होता है कि सामूहिकता से काम करने की हमारी कार्य संस्कृति है सामूहिकता हमारी ताकत है और अच्छे कामों के लिए सामूहिकता हो तो ये बहुत अच्छा है कि संगठन और समाज अपने अपने समाज के अंदर सभी लोग जो कुछ भी अपन से सहयोग हो सकता है अपना कंट्रीब्यूशन समाज के लिए करें इसके लिए उन सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय केवल राजस्थान ही देश का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बने इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद।